थैंक यू दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को। थैंक यू सुहास। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। माय डियर फ्रेंड, हम लोग पावर प्लांट के लिए अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। किसके लिए? पावर प्लांट के लिए अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें माय डियर फ्रेंड, तो गेट में अप्रोक्सीमेट ऑन एन एवरेज 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस केवल और केवल पावर प्लांट से पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो पावर प्लांट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो 12 मार्क्स जैसा ऑन एन एवरेज पूछा जाता है, बट बेसिकली केवल और केवल पावर प्लांट से बात करें तो 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या सिलेबस है माय डियर फ्रेंड? क्या क्या सिलेबस है माय डियर फ्रेंड? तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो आपके पास सिलेबस है रैंकाइन साइकिल। इस रैंकाइन साइकिल को आप वेपर पावर साइकिल या स्टीम पावर प्लांट भी कह सकते हैं। वेपर पावर साइकिल या स्टीम पावर प्लांट भी कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप इसको वेपर पावर साइकिल कहिए, स्टीम पावर प्लांट कहिए, एक ही बात है। नेक्स्ट है गैस पावर प्लांट, यानी आप इसको ब्रेटान साइकिल कह सकते हैं, या ब्रेटान साइकिल या गैस पावर प्लांट कहिए, एक ही बात है। एंड माय डियर फ्रेंड, एक है कॉम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेशर है, देन कंप्रेशर है, और एक है माय डियर फ्रेंड कॉम्प्रेसिबल फ्लो। कॉम्प्रेसिबल फ्लो जो है माय डियर फ्रेंड, कॉम्प्रेसिबल फ्लो जो है माय डियर फ्रेंड, अभी लास्ट ईयर से ऐड हुआ है, यानी गेट 21 के पेपर्स के ऐड हुआ है। ठीक है? और उसके पेपर के क्वेश्चंस भी आए थे, पहले सेशन में नहीं आए थे बट दूसरे सेशन में आए थे। तो गेट 21 में ये क्वेश्चन ये ऐड हुआ है। हालांकि कुछ देखा जाए तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, बट चूंकि यहाँ पे थर्मोडाइनेमिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है तो कई बार लोग बोल देते हैं कि ये थर्मल का भी पार्ट है। ठीक है ना? तो दोस्तों बेसिकली अगर थर्मल के पार्ट की बात करें तो आपको जो पढ़ाई करनी है पावर प्लांट वाले सेगमेंट में, वो इनके लिए पढ़ाई करनी है। रैंकाइन साइकिल यानी स्टीम पावर प्लांट, ब्रेटान साइकिल यानी गैस पावर प्लांट, और कंप्रेसर। ठीक है? तो ये अपने को स्टडी करनी है। कंप्रेसर जो है माय डियर फ्रेंड, कंप्रेसर जो है वो 2015 और 16 से ऐड हुआ था, तो वहां से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना? और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट हाँ माय डियर फ्रेंड, जो मेजर पोर्शन है वो ये है, दैट इज द रैंकाइन साइकिल एंड गैस पावर प्लांट या ब्रिटान साइकिल। ठीक है? ये दो मेजर सेगमेंट है। तो माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग तो पढ़ने जा रहे हैं समथिंग अबाउट दी किसके बारे में? रैंकाइन साइकिल के बारे में। तो पावर प्लांट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टीम पावर प्लांट। क्या पढ़ने वाले हैं? स्टीम पावर प्लांट, जिसको आप माय डियर फ्रेंड जो ऑपरेट होता है रैंकाइन साइकिल पे। ठीक है? किसके ऊपर ऑपरेट होता है? रैंकाइन साइकिल के ऊपर ऑपरेट होता है। माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग रैंकाइन साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसा कोई गेट का एग्जाम नहीं है जिसमें रैंकाइन या ब्रिटान और रैंकाइन साइकिल और ब्रिटान साइकिल, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। हर साल आइदर रैंकाइन साइकिल से या ब्रिटान साइकिल से या दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके? तो माय डियर फ्रेंड, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं रैंकाइन साइकिल के बारे में। ठीक है? तो चलिए
रैंकाइन साइकिल के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो रैंकाइन साइकिल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले अपने पास होता है बॉयलर, सबसे पहले अपने पास होता है बॉयलर, तो ये हो चुका है बॉयलर, ये बॉयलर हो चुका है, सॉरी, ये अपने पास बॉयलर हो चुका है, ये बॉयलर माय डियर फ्रेंड। जनरली बॉयलर किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? बॉयलर यूज किया जाता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, यानी फेज चेंज करवाने वाला ये डिवाइस है, फेज चेंज के लिए ये प्रिफर्ड किया जाता है। डियर फ्रेंड, ये टरबाइन है, ये टरबाइन है, ये टरबाइन है, ठीक है, ये टरबाइन है, अभी हम लोग सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, बट पहले समझ लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, जो बेसिकली जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? एक है पंप, ठीक है, पंप क्या करेगा माय डियर फ्रेंड? पंप जो है बेसिकली प्रेशर राइज करता है। अब प्रेशर राइज करने से क्या फायदा होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट जो मेजर पंप का पोर्शन है या काम है या वर्क है वो क्या है माय डियर फ्रेंड? प्रेशर राइज करना। तो वन पे पंप का आउटलेट है जो कि प्रेशर, हाई प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है। अब माय डियर फ्रेंड, वन से टू आपने बॉयलर में, वन से टू आपने बॉयलर में हीटिंग किया है, वन से टू आपने बॉयलर में हीटिंग किया है, वन से टू माय डियर फ्रेंड आपने बॉयलर में हीटिंग किया है, इस हीटिंग की वजह से, ड्यू टू दिस हीटिंग, ये वाटर जो है, वाटर कन्वर्टेड इंटू वेपर या वाटर कन्वर्टेड इंटू स्टीम। तो ये आपके पास, ये है वन से टू, यानी बॉयलर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बॉयलर, वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम। नाउ एट पॉइंट टू यू हैव अ फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का फ्लूइड है जो टरबाइन के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगा माय डियर फ्रेंड, टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करेगा, और जो टरबाइन है माय डियर फ्रेंड्स वो शाफ्ट पे इस तरह से लगा हुआ है, और इसके ऊपर माउंट है ये ब्लेड, शाफ्ट के ऊपर ये ब्लेड इस तरह से माउंट है। सो माय डियर फ्रेंड, जब वाटर स्टीम, वेरी सॉरी, जब स्टीम हाई प्रेशर का, हाई टेम्परेचर का, जब जाकर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर का स्टीम, व्हेन हाई प्रेशर टेम्परेचर, व्हेन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर स्टीम स्ट्राइक ऑन द ब्लेड ऑफ द टर्बाइन, तो आपके पास जो ब्लेड है वो शाफ्ट के ऊपर माउंट है। जब शाफ्ट के ऊपर माउंट होगा माय डियर फ्रेंड, तो जब ब्लेड पे वो स्टीम स्ट्राइक करेगा तो वो ब्लेड को एनर्जी देगा, जिसकी वजह से शाफ्ट में रोटेशन होगा, ब्लेड रोटेट करेगा, दैट्स व्हाई शाफ्ट रोटेट करेगा, और शाफ्ट का रोटेशन में आना यानी आपको पावर आउटपुट होना, शाफ्ट का रोटेशन में आना यानी आपको पावर आउटपुट होना। सो माय डियर फ्रेंड, टरबाइन से आपको पावर डेवलप्ड होता है, और यही पावर विद द हेल्प ऑफ जनरेटर आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो जनरेटर क्या करेगा, इस पावर को, मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल पावर में। बट हाँ, नाउ टू टू थ्री आपके पास क्या होगा, स्टीम का एक्सपेंशन हो चुका होगा माय डियर फ्रेंड। जो टरबाइन है वो एडियाबेटिक प्रोसेस पे ऑपरेट करता है, जो टरबाइन है माय डियर फ्रेंड वो एडियाबेटिक प्रोसेस पे ऑपरेट करता है, यानी टू से थ्री
स्टीम का एक्सपेंशन होगा विद द हेल्प ऑफ विद द प्रोसेस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन और रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो जब रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो 3 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो रिलेटिवली लोअर होगा। अब लोअर स्टीम मीन्स लोअर प्रेशर एंड टेम्परेचर का स्टीम। अब ये इस कंडेंसर में आता है। ये क्या है माय डियर फ्रेंड? कंडेंसर। कंडेंसर में आप यहाँ पर कोल्ड वाटर प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ पर कोल्ड वाटर प्रोवाइड करते हैं। ये जो कोल्ड वाटर है वो स्टीम से हीट का एक्सट्रैक्शन करेगा, हीट यहाँ से बाहर निकलेगा। और जब ये कोल्ड वाटर हीट रिसीव करेगा तो जब ये बाहर आएगा तो ये हॉट वाटर हो जाएगा। और आपके पास जो 3 पॉइंट पे स्टीम है वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, यानी जो 4 पॉइंट पे आपको वर्किंग फ्लूइड मिलेगा वो वाटर के कंडीशन पर मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज योर सिंपल रैंकाइन साइकिल विच इज ऑपरेटिंग अंडर दीज कंडीशंस। ठीक है, क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? क्या यहां तक की बातें क्लियर है माय डियर फ्रेंड? क्या यहां तक की बातें क्लियर है माय डियर फ्रेंड? प्लीज एक बार कमेंट कर दें। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके बता दें क्या यहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास इस तरह से 4 कंपोनेंट से मिलकर, ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको साइकिल बना रहे हैं। कौन सी साइकिल बना रहे हैं माय डियर फ्रेंड? रैंकाइन साइकिल बना रहे हैं। ओके नाउ, ये आपके पास रैंकाइन साइकिल इस तरह से है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं। अगर आप उस ऑप्शन पे एग्री कर रहे हैं तो आप बोलना यस, ठीक है, अदरवाइज हम लोग कोई दूसरा चीज हम लोग प्रिफर कर लेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे इसको, और फिर आखिरी में मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दूंगा। आखिरी में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसके बाद आप नोट्स बना लेना, ठीक है ना? ऐसे आप साथ साथ करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। आप आखिरी में स्क्रीनशॉट लेकर आप उस समय नोट्स बना लेना, फिर आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, टाइम बचेगा अपना। बोलो एग्री हैं आप? एग्री हैं आप? एग्री हैं? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमें इसका टीएस प्लॉट करना है। अब हमें इसका टीएस प्लॉट करना है, ठीक है? ओके, अब हमें इसका टीएस प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आपको डोम बनाना होगा। ये इस तरह से डोम है सपोज। ओके, इस डोम में माय डियर फ्रेंड, इस डोम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अपने को यहां से देखा जाए, सपोज करिए आप यहां पर हैं, सपोज करिए आप यहां पर हैं। ये 2 पॉइंट है। ये क्या है माय डियर फ्रेंड? ये पॉइंट 2 है। स्टीम यानी बॉयलर का आउटलेट है। ये क्या है? 2 पॉइंट है। नाउ 2 to 3 आप एडियाबेटिक एक्सपेंशन करते हैं। 2 to 3 एडियाबेटिक एक्सपेंशन करते हैं माय डियर फ्रेंड। जब आप रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन करेंगे तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी? कॉन्स्टेंट होगी। यानी 3 पॉइंट पे जब आप होंगे माय डियर फ्रेंड, जब आप 3 पॉइंट पे होंगे तो ये जो 3 पॉइंट है ये टरबाइन का आउटलेट है। नाउ नाउ ये आप माय डियर फ्रेंड, ये आप यहां से ये आप कंडेंसेशन कर रहे हैं। ये आप माय डियर फ्रेंड कंडेंसेशन कर रहे हैं, और यहां पे वंस ये प्रेशराइज हो रहा है। नाउ नाउ ये आपका प्रेशराइज हो चुका है। ओके, दिस इज द वन एंड दिस इज द 1, 2, 3, 4 एंड 1। माय डियर फ्रेंड, मैं सबके बारे में एक बार लिखना चाहता हूं। एक बार हम लोग सारी बातें लिख लें, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। जो प्रोसेस 1 से 2 है माय डियर फ्रेंड, प्रोसेस 1 टू 2 प्रोसेस
1 to 2 इन प्रोसेस 1 to 2 माय डियर फ्रेंड, आप कर क्या रहे हैं, आप कर रहे हैं रिवर्सिबल हीट एडिशन, रिवर्सिबल हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर इन बॉयलर, इन बॉयलर माय डियर फ्रेंड 1 से 2 आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड कर रहे हैं बॉयलर में। माय डियर फ्रेंड होगा क्या, आप जो है जब आप 1 कंडीशन पे होंगे तो आपके पास वाटर होगा, 2 कंडीशन पर आएंगे तो आपके पास स्टीम होगा। यानी सपोज वाटर है तो पहले वाटर हीटअप होके अपने सैचुरेटेड पॉइंट पर जाएगा, फिर वहां से कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर से वो क्या करेगा, फेज चेंज करेगा। माय डियर फ्रेंड होपफुली आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, जो फेज चेंज होता है वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। बट फेज चेंज माय डियर फ्रेंड यहां से हो रहा है, जबकि हीटिंग जो है वो आप 1 से कर रहे हैं। तो आप कॉन्स्टेंट प्रेशर पर 1 से 2 थ्रू आउट जा रहे हैं। तो जो हीटिंग हो रहा है इन बॉयलर, यू आर एडिंग हीटिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इन बॉयलर। सो माई डियर फ्रेंड जो हीट एडिशन का अमाउंट होगा वो होगा H2 माइनस H1। अब ये साहब आपने H2 माइनस H1 कहाँ से लिखा है, तो ये आपने लिखा है विद द हेल्प ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो जो हीट एडिशन होगा बॉयलर में वो होगा H2 माइनस H1 विद द हेल्प ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बोलिए क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, क्लियर है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नाउ प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 इन प्रोसेस 2 to 3 रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन इन टर्बाइन। सो माय डियर फ्रेंड रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन इन टर्बाइन, यानी जो WT है वो अगेन क्या होगा, H2 माइनस H3, 2 से 3 आपने एक्सपेंशन किया, तो ये हो गया H2 माइनस H3। नाउ प्रोसेस 3 to 4, ओके, इन प्रोसेस 3 to 4 रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन, रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन कंडेंसर, इन कंडेंसर। माई डियर फ्रेंड आप कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे कंडेंसर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, माई डियर फ्रेंड आप क्या कर रहे हैं, फेज चेंज कर रहे हैं, फेज चेंज कर रहे हैं। एंड माई डियर फ्रेंड यू विल नो वेरी वेल कि फेज चेंज जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। सो जो हीट रिजेक्शन है यानी Q2 जो है दैट इज द H3 माइनस H4 लाइक दैट, एंड द लास्ट वन, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, एंड द लास्ट वन एंड द लास्ट वन इज व्हाट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, सॉरी प्रोसेस 4 to 1, एंड व्हाट इज द प्रोसेस 4 to 1, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इन पंप। सो माय डियर फ्रेंड जो पंप का वर्क हो जाएगा दैट बिकम्स H4 माइनस H1, H4 माइनस H1 या H1 माइनस H4 लिख लेंगे, क्योंकि आउटलेट पे जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। माय डियर फ्रेंड क्या आप इसको V डेल्टा P लिख सकते हैं,
क्या इसको वी डेल्टा पी, वी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, वी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्मॉल वी है स्पेसिफिक वॉल्यूम, लिख सकते हैं क्या? वी डेल्टा पी लिख सकते हैं, यस या नो? यस या नो? लिख सकते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, कैसे लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड? यू नो वेरी वेल। कैसे लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड? ओके, कैसे लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड? ये आपके पास इस तरह से है, इसको कैसे लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड? कि आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड कि जो वर्क होगा ओपन सिस्टम में वो वी डेल्टा पी होता है माइनस साइन के साथ। वी जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वी जो है वो क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है माय डियर फ्रेंड। जो वी जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी का उल्टा होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी का उल्टा होता है माय डियर फ्रेंड। आप 4 से 1 के बारे में समझिए, एंड 4 से 1 के बारे में समझिए माय डियर फ्रेंड। 4 से 1 जो वर्किंग फ्लूइड है वो लिक्विड है, 4 से 1 जो वर्किंग फ्लूइड है वो लिक्विड है, एंड लिक्विड जो होता है माय डियर फ्रेंड उसकी जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। इफ डेंसिटी कांस्टेंट है माय डियर फ्रेंड, इफ डेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि 4 से 1 लिक्विड है, एंड लिक्विड को हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल है। इफ इफ लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल देन डेंसिटी इज कांस्टेंट, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है माय डियर फ्रेंड तो ये इंटीग्रेशन से क्या होगा? बाहर होगा। और जब इंटीग्रेशन से बाहर होगा तो ये होगा माय डियर फ्रेंड 1 बाई रो डेल्टा पी, एंड 1 बाई रो अगेन यू कैन राइट स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम डेल्टा पी। इफ यू आर होल्डिंग, इफ यू आर टेकिंग लिक्विड एज अ सबस्टेंस, इफ यू आर टेकिंग लिक्विड एज अ सबस्टेंस देन यू कैन इजिली राइट द वर्क ट्रांसफर इज वी डेल्टा पी, एंड वी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर हम लोग वर्क आउटपुट की बात करें, वर्क आउटपुट, मैं इसी पे अभी थोड़ा सा डिबेट और कर लेना चाहता हूं। अगर माय डियर फ्रेंड हम लोग वर्क आउटपुट की बात करें तो जो वर्क आउटपुट होगा वो टरबाइन का वर्क माइनस पंप का वर्क होगा। जो वर्क आउटपुट होगा माय डियर फ्रेंड, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क होगा। वेरी गुड। एंड द पंप वर्क इज वेरी वेरी लेस, पंप वर्क इज वेरी वेरी लेस। व्हाई पंप वर्क इज वेरी वेरी लेस? लिसन केयरफुली माय डियर फ्रेंड, पंप वर्क इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम डेल्टा पी, एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज, एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 1 बाई रो डेल्टा पी, 1 बाई रो डेल्टा पी। माय डियर फ्रेंड यू आर टेकिंग लिक्विड एज अ फ्लूइड, एंड फॉर लिक्विड रो इज कॉन्स्टेंट एंड रो इज वेरी हाई। रो जो होता है मेरे दोस्त लिक्विड के लिए ज्यादा होता है, इट मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम आर वेरी लेस। इफ स्पेसिफिक वॉल्यूम आर वेरी लेस देन जो वर्क है पंप के लिए आर वेरी वेरी लेस। एग्री और नॉट? वर्क ट्रांसफर जो होगा वो वी डेल्टा पी होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम डेल्टा पी होगा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम चूंकि लिक्विड का बहुत कम होता है सो पंप के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। यस या नो? यस या नो? फास्ट रिप्लाई, यस या नो? यस या नो? वेरी गुड, वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड सुहास। तो माय डियर फ्रेंड, कि जो
पंप का वर्क होता है वो रैंकाइन साइकिल में बहुत कम होता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द रैंकाइन साइकिल कि जो पंप वर्क है वो बहुत कम है। माय डियर फ्रेंड, किसी भी साइकिल में माय डियर फ्रेंड, जो वर्क आउटपुट होगा वो समथिंग पॉजिटिव वर्क एंड निगेटिव वर्क का सब्ट्रैक्शन होगा। समथिंग पॉजिटिव वर्क एंड निगेटिव वर्क का सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि कोई सा भी साइकिल हो माय डियर फ्रेंड, वो चार चीजों के साथ बात होता है। कोई सा भी साइकिल हो, आप पढ़ते होंगे ऑटो, डीजल, ड्यूएल, ब्रेटन, कॉर्नोट, स्टर्लिंग, इरिक्शन, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो माय डियर फ्रेंड चार बातों के साथ होता है। आइदर हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन एंड वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट, ये चार चीजें हो रही होंगी साइकिल में। हीट ऐड हो रहा होगा, हीट रिजेक्ट हो रहा होगा, वर्क ऐड हो रहा होगा, वर्क डेवलप्ड हो रहा होगा। तो माय डियर फ्रेंड, किसी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल में जो पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करिए निगेटिव वर्क की वैल्यू बहुत कम है, यानी जो वर्क आउटपुट होगा माय डियर फ्रेंड बहुत अच्छा होगा, वर्क आउटपुट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ रैंकाइन साइकिल, हियर वर्क, निगेटिव वर्क इज वेरी वेरी लेस, निगेटिव वर्क इज वेरी वेरी लेस, सो वर्क आउटपुट बिकम्स अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द पॉजिटिव वर्क विच इज टर्बाइन वर्क, विच इज व्हाट, टर्बाइन वर्क। प्रणय साहब बोल रहे हैं इस पंप वर्क इज नेग्लेक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग टोटल वर्क आउटपुट। यस, अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर लीजिए, तब तो आप नेग्लेक्ट करेंगे ही। अगर नहीं भी बोला गया है और आप पंप के वर्क को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पंप का वर्क माय डियर फ्रेंड बहुत कम होता है। जनरली बोला जाता है कि रैंकाइन साइकिल में जो पंप वर्क होता है 2 to 6 पंप वर्क जो होगा माय डियर फ्रेंड, जो पंप वर्क होता है वो 2 to 6 किलो जूल पर केजी होता है। जो पंप वर्क होता है वो 2 to 6 किलो जूल पर केजी होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास हो चुका है। तो जो पंप वर्क होगा माय डियर फ्रेंड, ये बहुत कम वैल्यू रखेगा, बहुत कम वैल्यू रखेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं, ठीक है। सपोज करिए पंप के इनलेट पे जो प्रेशर है वो 10 किलो पास्कल है और पंप के आउटलेट पे जो प्रेशर है वो 4 मेगा पास्कल है। 4 मेगा पास्कल कहने का मतलब आप कहना चाह रहे हैं 4000 किलो पास्कल। अब आप समझ रहे हैं कि किसी भी पंप को 10 किलो पास्कल से 4000 किलो पास्कल ले जाने में, यानी आपको बहुत ज्यादा प्रेशर रेशियो की वैल्यू नजर आ रही है, 400 प्रेशर रेशियो की वैल्यू आ रही है, 400 प्रेशर रेशियो की वैल्यू आ रही है। और माय डियर फ्रेंड, यहां पर जब आप जाएंगे ना पंप वर्क के लिए यहां पर जब आप जाएंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम डेल्टा पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द 1/1000 एंड डेल्टा पी इज द 4000 - 10। अगर इस 10 को नेगलेक्ट भी कर लें तो ये 4000 यानी 4 किलो जूल पर केजी होगा। माय डियर फ्रेंड, पंप वर्क जो है इतने ज्यादा 400 प्रेशर रेशियो के लिए भी 4 किलो जूल पर केजी का आपको देखने को आ रहा है प्रेशर रेशियो। सो माय डियर फ्रेंड, सॉरी, वर्क रिक्वायर्ड। सो माय डियर फ्रेंड, जबकि टरबाइन से जो वर्क मिलेगा माय डियर फ्रेंड, 1000 किलो जूल पर केजी, 1200 किलो जूल पर केजी, 1200, 1400 किलो जूल पर केजी। सो माय डियर फ्रेंड, एट दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस, दिस 4 किलो जूल पर केजी आर नेग्लेजिबल। इफ यू आर काउंटिंग इट देन डजेंट मैटर इफ यू आर काउंटिंग और नॉट काउंटिंग। आई थिंक प्रणय, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। प्रणय साहब, क्लियर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड। ओके, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, ठीक है। चलिए, ओके माय डियर फ्रेंड, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, ठीक है। आगे चलें। हरप्रीत सिंह, हाँ, म्यूट कर लें यार, तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ओके, सो
नाउ कम फॉर दी समथिंग अबाउट दी इफिशियंसी, समथिंग अबाउट दी इफिशियंसी। इफिशियंसी इज वॉट? इफिशियंसी इज वर्क आउटपुट अपॉन हीट एडिशन। सो वर्क आउटपुट इज ओनली टर्बाइन वर्क एंड दिस इज द हीट एडिशन। ओके, सो इफिशियंसी इज द टर्बाइन वर्क एंड द टर्बाइन वर्क इज नथिंग बट एच टू माइनस एच थ्री एंड हीट एडिशन इज नथिंग बट एच टू माइनस एच वन। सो दिस इज द इफिशियंसी फॉर द रैंकाइन साइकिल एंड दिस इज द माई डियर फ्रेंड सिंपल रैंकाइन साइकिल। दिस इज वॉट? दिस इज द सिंपल रैंकाइन साइकिल। दिस इज द सिंपल रैंकाइन साइकिल। दिस इज द सिंपल रैंकाइन साइकिल। होपफुली यहां तक की सारी बातें क्लियर होंगी। होपफुली माई डियर फ्रेंड यहां तक की सारी बातें क्लियर होंगी। एक बार सभी लोग दोस्तों एक बार मुझे बता दीजिए, क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चे देखो यार अभी बाद में लेट ज्वाइन हुए हैं, तो एक बार रिकॉल कर ले सारी चीजें, एक बार रिकॉल कर ले सारी चीजें, जल्दी से बता दीजिए। यस सर। ओके हरप्रीत साहब, आप कमेंट कर दीजिए, वही मेरे लिए बहुत है, ठीक है ना? बोलने से अच्छा है कि आप कमेंट कर लें, ठीक है? चलिए माय डियर फ्रेंड, हम लोग पावर प्लांट के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं और पावर प्लांट बेसिकली दो है, गैस पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट, अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम लोग स्टीम पावर प्लांट के लिए बात करना चाहते हैं। तो स्टीम पावर प्लांट जो ऑपरेट होता है वो रैंकाइन साइकिल पे ऑपरेट होता है। स्टीम पावर प्लांट जो ऑपरेट होगा वो रैंकाइन साइकिल पे ऑपरेट होगा एंड ये है माय डियर फ्रेंड रैंकाइन साइकिल। ये है माय डियर फ्रेंड रैंकाइन साइकिल। अब इसमें चार कंपोनेंट, बेसिक चार कंपोनेंट हैं। एक है पंप, बॉयलर, टर्बाइन एंड कंडेंसर। माय डियर फ्रेंड पंप से आप प्रेशर राइज करते हैं, यानी फोर पॉइंट पर आपके पास लिक्विड स्टेट है, वाटर है। अच्छा, पंप और कंप्रेसर में बेसिक सी बात यही होती है माय डियर फ्रेंड कि वर्किंग फ्लूइड पंप में लिक्विड होता है और कंप्रेसर में वर्किंग फ्लूइड जो होगा वो गैस होगा। सो माय डियर फ्रेंड पंप से आप लिक्विड का प्रेशर राइज करते हैं, सो वन पॉइंट पे आपके पास हाई प्रेशर का वाटर होगा और टू पॉइंट पे विद द हेल्प ऑफ बॉयलर आप इस हाई प्रेशर वाटर को आप कन्वर्ट कर चुके होंगे स्टीम में। एंड वन मोर थिंग माय डियर फ्रेंड, बॉयलर इज ऑपरेटिंग अंडर कांस्टेंट प्रेशर। सो वन से टू के दौरान ड्यूरिंग वन एंड टू प्रेशर रिमेन अनचेंज्ड। तो वन से टू प्रेशर कांस्टेंट होगा, विद द हेल्प ऑफ बॉयलर आप इस वाटर को कन्वर्ट कर चुके होंगे स्टीम में, यानी टू पॉइंट पे जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो स्टीम होगा और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का होगा। सो माय डियर फ्रेंड, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम व्हेन स्ट्राइक ऑन द ब्लेड ऑफ द टर्बाइन देन इट रोटेट द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन। शाफ्ट जो टर्बाइन का रोटेट करेगा माय डियर फ्रेंड, तो अपने को वर्क आउटपुट मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस वर्क आउटपुट, विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, दिस वर्क आउटपुट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया, यानी पावर जनरेशन हो गया है, आपके पास आउटपुट हो चुका है। नाउ ये जो स्टीम आएगा माय डियर फ्रेंड, ये जो स्टीम यहां से पास करेगा, ठीक है, अब यहां पे बाहर आकर टरबाइन के आउटलेट पर उसकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ही कम होगी, लो प्रेशर लो टेम्परेचर का स्टीम होगा। फिर हम लोग कोल्ड वाटर यहाँ पे लगा के, कोल्ड वाटर सप्लाई करके इस स्टीम को कन्वर्ट कर लेंगे वाटर में और फिर से इसी को रिसाइकिल करते रहेंगे, ठीक है। अब इस बात को आप TS प्लॉट पे देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस बात को आप TS प्लॉट पे देख सकते हैं। दिस इज अवर TS प्लॉट माय डियर फ्रेंड। सपोज करते हैं आप टू पॉइंट पे टरबाइन के इनलेट पर हैं, टू पॉइंट पे आप टरबाइन के इनलेट पे हैं, टू से थ्री आप रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, थ्री टू फोर
3 to 4 आप फेज चेंज करा रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है। एंड माय डियर फ्रेंड, कंडेंसेशन अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। सो 3 to 4 प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। नाउ 4 to 1 आप पंप से प्रेशर राइज करते हैं, तो 4 to 1 जो है वो माय डियर फ्रेंड प्रेशर राइज हो रहा है। 1 से 2 आप बॉयलर में हीटअप करके उसको स्टीम कंडीशंस पे ला रहे हैं। माय डियर फ्रेंड होपफुली आप इस बात को समझ रहे होंगे, दिस इज द सैचुरेटेड लाइन, दिस इज द सैचुरेटेड वेपर लाइन एंड दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। हियर इज द लिक्विड रीजन, हियर इज द वेपर रीजन। होपफुली आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर है सारी बातें? ठीक है सारी बातें? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर फ्रेंड। ओके, और यहां से अगर आप सारे प्रोसेस के बारे में बात करें, तो प्रोसेस 1 से 2 ये हम लोगों ने लिख रखा है, रिवर्सिबल हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे में। Q1 जो हो गया वो H2 - H1 हो गया। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है टर्बाइन में, तो जो टर्बाइन का वर्क है वो H2 - H3 हो गया। हीट रिजेक्शन हो रहा है कंडेंसर में, तो H3 - H4 हो गया। और पंप का वर्क हो रहा है, तो ये WP जो है वो H1 - H4 या V∆T हो चुका है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये आपके पास हो चुका है, ये आपके पास हो चुका है। नाउ ओके, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। ओके, और यहां पे आपने वर्क आउटपुट और इफिशियंसी के लिए इस तरह से बात कर लिया है। माय डियर फ्रेंड, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज ज्वाइन दिस सेशन मैक्सिमम अप टू दिस 6:10 PM। प्लीज ज्वाइन दिस सेशन अप टू दिस 6:10 PM, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। बार बार क्या होगा माय डियर फ्रेंड, आप आओगे मुझे एडमिट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा डिस्टर्ब होऊंगा आपको, फिर मैं पढ़ाऊंगा या फिर बार बार आपको एडमिट करूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है माय डियर फ्रेंड कि आप सभी लोग इससे पहले पहले ज्वाइन हो जाएं, ताकि फिर जब हम लोग स्टडी करें, जब पढ़ाई करें, तो फिर बार बार मुझे एडमिट करने की जरूरत ना हो, आप डायरेक्टली इस तरह से कनेक्ट रहें। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है सभी को दोस्तों? तो ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कल से थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखेंगे, आप ही का टाइम बचेगा, आप ही के लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि व्हाई दीज कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट। ओके माय डियर फ्रेंड, टरबाइन से तो आपको पावर डेवलप हो रहा है, तो टरबाइन तो नेसेसरी है ही, ठीक है। बॉयलर से आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वाटर आपके लिए क्यों जरूरी है? यहां पर वाटर इस वजह से जरूरी है माय डियर फ्रेंड, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग वाटर देन योर नेगेटिव वर्क इज वेरी वेरी लेस। अगर आप वाटर के बदले में आप यूज करते हैं कंप्रेसर, सॉरी वाटर के बदले में यूज करते हैं गैस, तो यूज करना होगा कंप्रेसर, एंड द कंप्रेसर का जो वर्क होगा माय डियर फ्रेंड वो बहुत ज्यादा होगा, तो नेगेटिव वर्क इंक्रीज हो जाने से वर्क आउटपुट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको वाटर में कन्वर्ट करना है, सो वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कंडेंसर। तो आपने कंडेंसर यूज किया है, तो वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंडेंसर चाहिए, क्योंकि उसी वाटर के थ्रू यहां पे आप पंप लगा के उसका जो निगेटिव वर्क है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप सपोज यहां से डायरेक्टली यहां आए, तो यहां पे सिचुएशन है स्टीम की, और स्टीम से आप यहां पे आएंगे तो पंप नहीं, आपको फिर यहां पे कंप्रेशर लगाना होगा, एंड जब आप कंप्रेशर लगाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू होगी वर्क रिक्वायर्ड की वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आपका निगेटिव वर्क बढ़ जाएगा, सो वर्क आउटपुट कम हो जाएगा। इस वजह से आपने कंडेंसर लगा के उसका फेज चेंज करवा दिया है, कंडेंसेशन करवा दिया है। नाउ पंप क्यों लगाते हैं माय डियर फ्रेंड? पंप लगाने का पर्पस क्या होता है? प्रेशर राइज करना।
एंड माय डियर फ्रेंड आई वांट टू नो विथ यू कि क्यों प्रेशर राइज करना चाहते हैं, क्यों प्रेशर राइज चाहते हैं, व्हाई प्रेशर राइज इज नेसेसरी इन रैंकाइन साइकिल, व्हाई प्रेशर राइज इज नेसेसरी इन रैंकाइन साइकिल। जल्दी बताइए फास्ट, व्हाई प्रेशर राइज इज नेसेसरी इन रैंकाइन साइकिल। Anybody? अरे वो तो पंप में स्पेसिफिक वॉल्यूम नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट होती है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू छोटी होती है, नेगलेक्ट नहीं करते हैं ना। एनीबॉडी एल्स, कोई और बताना चाहेगा प्रेशर राइज क्यों करना जरूरी है? प्रेशर राइज क्यों नेसेसरी है? मैं बताऊं मैं बताऊं माय डियर फ्रेंड, नहीं टेम्परेचर मेरे दोस्त, पंप, ये पंप है ना, पंप लगा के प्रेशर राइज जो होता है उससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। जो टेम्परेचर होता है, जैसे आपके घर में जो पंप लगा है, इनलेट और आउटलेट पे आप देखेंगे तो जो वाटर का टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेट एक जैसा ही होता है। ऐसा नहीं कि पंप के इनलेट पे टेम्परेचर कम है और पंप के आउटलेट पे टेम्परेचर ज्यादा है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बट वो टेम्परेचर का वेरिएशन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। समझिए ध्यान से मेरे दोस्त, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो पंप लगाएंगे आप, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो जब प्रेशर बढ़ा देंगे तो जो हाई प्रेशर का जो स्टीम है, हाई प्रेशर का स्टीम जब टर्बाइन के ब्लेड पर स्ट्राइक करेगा ना, तो आपसे जो एनर्जी डेवलप होगा, जो सॉरी आउटपुट आएगा, जो एनर्जी कन्वर्जन होगा, पावर डेवलप होगा, वो अच्छा होगा। अगर हाई प्रेशर का स्टीम अगर डेवलप हाई प्रेशर का स्टीम जब टरबाइन के ऊपर पास करेगा, तो आपको जो पावर कन्वर्जन होगा वो अच्छा होगा, एज कंपेयर टू लो प्रेशर का स्टीम जब आप टरबाइन के ब्लेड पर स्ट्राइक कराएंगे, तो उतना अच्छा पावर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई आप स्टीम हाई प्रेशर पे प्रोवाइड करते हैं। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वन मोर थिंग माय डियर फ्रेंड, यू नो वेरी वेल कि अगर आपके पास ये टीएस का प्लॉट है और ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, यहां से यहां की जो इंथैल्पी का चेंज है उसको आप लैटेंट हीट बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? लैटेंट हीट। और यहां पे लैटेंट हीट ये है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर ये P2 है और ये P1 है, सो डेफिनेटली P2 की वैल्यू P1 से बड़ी है। P2 की वैल्यू P1 से बड़ी है, पहली बात तो P2 की वैल्यू P1 से बड़ी है। एंड द सेकेंड वन, कि जो लेटेंट हीट एट 2 है वो लेटेंट हीट 1 से छोटी है। लेटेंट हीट एट 2 जो है वो लेटेंट हीट 1 से स्मॉलर है। यानी माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोअर प्रेशर पर होंगे तो आपको जो लेटेंट हीट है वो ज्यादा प्रोवाइड करना होगा बॉयलर में, उसको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। जब आपको ज्यादा हीट प्रोवाइड करना होगा तो आपका कोल जो है वो ज्यादा खर्च होगा। जब आपका कोल ज्यादा खर्च होगा माय डियर फ्रेंड,
तो आपकी इकोनॉमी खराब होगी, आपकी इकोनॉमी खराब होगी। तो सो माय डियर फ्रेंड, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं कि जब आप हाई प्रेशर यूज करेंगे तो लेटेंट हीट यानी हीट रिक्वायर्ड टू फेज चेंज वो स्मॉलर होगा, और वो स्मॉलर होगा तो ये अच्छी बात होगी आपके लिए। तो बात समझ में आ रही है, दोनों ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है कि प्रेशर राइज क्यों करते हैं, यस या नो? दोनों ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है कि प्रेशर राइज क्यों करते हैं, यस या नो? यस, बहुत अच्छे सुहास साहब, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड। तो प्रेशर राइज क्यों हो रहा है ये आप समझ गए, ठीक है। अच्छा एक और बात बताइए मुझे, एक और बात बताइए माय डियर फ्रेंड। टू से थ्री, माय डियर फ्रेंड, टू से थ्री टरबाइन का एक्सपेंशन हो रहा है, टू से थ्री टरबाइन का एक्सपेंशन हो रहा है माय डियर फ्रेंड। अगर आप टू से थ्री एक्सपेंशन ना करके टू से थ्री डैश तक एक्सपेंशन करें, टू से थ्री एक्सपेंशन ना करके टू से थ्री डैश तक एक्सपेंशन करें, तो अब आपको पहले से ज्यादा पावर मिलेगा या कम मिलेगा? अगर आप टू से थ्री तक एक्सपेंशन ना करके टू थ्री डैश तक कर रहे हैं तो पावर डेवलपमेंट पहले से ज्यादा होगा या कम होगा? पावर डेवलपमेंट पहले से ज्यादा होगा या कम होगा? बहुत अच्छे काजी साहब, बहुत अच्छे। बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग भी बताएं। डेफिनेटली इंक्रीज होगा क्योंकि अब आप ज्यादा एक्सपेंशन करा रहे हैं, अब आप ज्यादा एक्सपेंशन करा रहे हैं, ठीक है ना? बट ज्यादा एक्सपेंशन कराने से एक चीज गड़बड़ हो रहा है, एक चीज का डिसएडवांटेज हो रहा है। क्या आपको डिसएडवांटेज नजर आ रहा है? अगर आपने एक्सपेंशन ज्यादा किया तो आपको एक डिसएडवांटेज होगा, आपको क्या डिसएडवांटेज नजर आ रहा है? आपको डिसएडवांटेज नजर आ रहा है, जल्दी बताएं। अगर आपने एक्सपेंशन ज्यादा किया तो आपके पास एक डिसएडवांटेज होगा, क्या आपको नजर आ रहा है ये बात? क्या आपको ये नजर आ रहा है, या मैं बताऊं क्या आपको ये नजर आ रहा है? हाँ, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, उससे कोई लॉस नहीं है। मोर एरिया मोर हीट, एरिया का कैसे कॉन्सेप्ट आया, एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है, मोर एरिया मोर हीट से क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छे फरदीन काजी साहब का आंसर देखो यार, फरदीन काजी साहब का कमेंट देखो। माय डियर फ्रेंड, जब आप थ्री पर हैं तो ये देखो, ये जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है उससे आप इतना दूर हैं, और जब आप थ्री डैश पर हैं तो सैचुरेटेड लाइन से काफी दूर हैं। तो मेरे दोस्त, फ्रैक्शन की वैल्यू थ्री डैश के डैश की वैल्यू से ज्यादा होगी, होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जो थ्री पे ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो थ्री डैश के ड्राइनेस फ्रैक्शन से ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। मैं इस बात को दूसरे पेज पे समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो, तो इसको चलिए मैं दूसरे पेज पे बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, ये आपने स्टीम पे एक्सपेंशन किया है, ठीक है, ये एक्सपेंशन किया है टू से थ्री। अब मैं एक्सपेंशन जो है माय डियर फ्रेंड थ्री डैश तक करना चाहता हूं, सो डेफिनेटली थ्री का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो थ्री डैश के ड्राइनेस फ्रैक्शन से ज्यादा है। माय डियर फ्रेंड, इसमें क्या किसी को डाउट है, क्या इसमें किसी को डाउट है, यस या नो? क्या इसमें किसी को डाउट है?
क्या इसमें किसी को डाउट है? हाँ नो, बहुत अच्छे। समझिए दोस्तों, समझिए दोस्तों कि जो 3 पॉइंट है और जो 3 डैश है, वहां पे यहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है मेरे दोस्त? मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन लो हो रहा है ना, तो मास ऑफ वेपर कम होगा। अगर मास ऑफ वेपर कम होगा तो मास ऑफ वाटर या लिक्विड ज्यादा होगा। माय डियर फ्रेंड, अगर मास ऑफ लिक्विड ज्यादा होगा, यानी वाटर ड्रॉपलेट अगर बढ़ेगा, तो जब दोस्तों टरबाइन में जनरली जब स्टीम चलता है तो बहुत हाई वेलोसिटी से चलता है। जब हाई वेलोसिटी से चलेगा, जो टरबाइन का ब्लेड होता है, माय डियर फ्रेंड, जो टरबाइन का ब्लेड होता है, वो बहुत ही स्मूथ बनाते हैं हम लोग, बहुत ही स्मूथ बनाते हैं। ये जो टरबाइन का ब्लेड है वो बहुत ही स्मूथ बनाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर टरबाइन के ब्लेड पे स्टीम पास कर रहा है और उसके आखिरी पोर्शन में अगर यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट आएंगे, तो जो वाटर ड्रॉपलेट आएंगे और हाई वेलोसिटी का जब वाटर ड्रॉपलेट स्ट्राइक करेगा ब्लेड पर, हाई वेलोसिटी का वाटर ड्रॉपलेट स्ट्राइक करेगा ब्लेड पे, सो माय डियर फ्रेंड, वहां पर उसको इरोजन का चांस बढ़ जाएगा। हाई वेलोसिटी का वाटर आपके ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा तो वहां पर इरोजन का चांस बढ़ जाएगा, जबकि स्टीम पास करने से दिक्कत नहीं है, वाटर ड्रॉपलेट पास करने से दिक्कत है। बात समझने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए आपके चेहरे पर स्टीम पास कराया जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और उसी चेहरे पे वाटर पास कराया जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो आपके चेहरे पे जो इरोजन आएगा वो ड्यू टू वाटर आएगा, स्टीम नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड, मेरी बात से एग्री कर पा रहे हैं आप? मेरी बात से एग्री कर पा रहे हैं आप? फास्ट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो माय डियर फ्रेंड, हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता है कि टरबाइन के आउटलेट पर या टरबाइन के ब्लेड पर वाटर ड्रॉपलेट ना आए, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट आएगा तो वो इरोजन लाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आप हमेशा यही ऑब्जेक्टिव रखेंगे कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा रहे, कम ना रहे। तो 3 पॉइंट तक ही आप एक्सपेंशन कराते हैं, 3 डैश तक एक्सपेंशन नहीं कराएंगे। 3 डैश तक एक्सपेंशन क्यों नहीं कराएंगे माय डियर फ्रेंड? क्योंकि अगर आप एक्सपेंशन ज्यादा कराएंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ जाएगा, ब्लेड में इरोजन होने का चांस बढ़ जाएगा। क्लियर है ये बात? एक बार फाइनली मुझे बता दीजिए, क्या यहां पर ये सारी चीजें क्लियर हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड, एक और रीजन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो रीजन ये है, आपने कहा यहां पे मैं कोल्ड वाटर प्रोवाइड करूंगा कंडेंसर पे, एंड माय डियर फ्रेंड, कोल्ड वाटर जो आप प्रोवाइड करेंगे वो कहां से प्रोवाइड करेंगे? वो समथिंग कूलिंग टावर से प्रोवाइड करेंगे, कूलिंग टावर से प्रोवाइड करेंगे, और कूलिंग टावर में जो वाटर आप लाएंगे वो कहां से लाएंगे? वो किसी रिवर से लाएंगे, वो किसी रिवर से लाएंगे। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। जनरली हम लोग कूलिंग टावर के लिए जो वाटर है वो किसी रिवर से लाते हैं, ठीक है, हाँ, किसी रिवर से लाते हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, रिजर्वायर आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आपको हर समय वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हर समय वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको रिवर या किसी एक ऐसे रिजर्वायर की जरूरत है जो आपको हर समय वाटर सप्लाई कर सके। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो हमेशा किसी ऐसे जगह पे रखा जाता है जहां पर रिवर हो या जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। तो खैर, तो आपके पास रिवर है, यहां से वाटर लाए। माय डियर फ्रेंड, सपोज रिवर का जो टेम्परेचर है,
वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। रिवर के वाटर का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सपोज कूलिंग टावर ने इसको ठंडा कर दिया है और ठंडा करने के बाद इसका टेम्परेचर हो गया है सपोज 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया माय डियर फ्रेंड? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। सो लिसन केयरफुली, फॉर बेटर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, फॉर बेटर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एटलीस्ट देयर आर मस्ट बी 8 to 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, 8 to 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। लिसन केयरफुली माय डियर फ्रेंड, जैसे अगर मैं कहूं किसी बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसके बगल में जो बॉडी है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्लैसियस साहब के हिसाब से, क्लैसियस स्टेटमेंट के हिसाब से हीट का ट्रांसफर तो होगा ही, नो डाउट, बट फॉर बेटर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर देयर मस्ट बी अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर यहां पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर हो या बॉडी हो तब अच्छा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, वैसे 18 का होगा तो भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, बट जब कम से कम 8-10 डिग्री हो तो फिर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर करने का फिर मजा दूसरा रहेगा। ठीक है? सो माय डियर फ्रेंड, सपोज अब आपके पास यहां पे जो कोल्ड वाटर है वो कितना है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड का। माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, एज्यूम करिए यहां से स्टीम आ रहा है, वो है सपोज कर लेते हैं 18 डिग्री सेंटीग्रेड का। कितने का है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड का। माय डियर फ्रेंड, आपको हीट रिजेक्ट करवाना है, तो सबसे पहली बात कि यहां का जो टेम्परेचर होना चाहिए, सबसे पहली बात जहां का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो मस्ट बी ग्रेटर देन 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना। एंड फॉर बेटर हीट ट्रांसफर रेट इसकी वैल्यू मिनिमम आप देखिए तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना। यानी माय डियर फ्रेंड, ये लिमिटेशन हो गया कि टरबाइन के आउटलेट पर जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री होना चाहिए। 30 से अगर और कम करेंगे, 30 से कम करेंगे, सपोज मैं कहना चाह रहा हूं 25 डिग्री कर लिए, तो अब आपको कूलिंग रेट अच्छा नहीं मिल पाएगा, यानी कंडेंसेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। एग्री है मेरी बात से? एग्री है मेरी बात से? यस या नो? एग्री है मेरी बात से? यस या नो? यस या नो? क्विकली, फास्ट। अगर आपको डाउट है तो आप डाउट भी बोल सकते हैं। ठीक है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड। यानी आप इस बात को अब ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि साहब टरबाइन से एक्सपेंशन के लिए जो आपके पास लिमिटिंग टेम्परेचर है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सपोज सपोज माय डियर फ्रेंड, सपोज माय डियर फ्रेंड, सपोज माय डियर फ्रेंड, इट इज द वैल्यू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर का स्केल है, इट इज अ वैल्यू ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो माय डियर फ्रेंड, क्या इससे नीचे लेकर आना एक्सपेंशन के लिए अच्छा होगा? क्या इससे नीचे लेकर आना एक्सपेंशन के लिए अच्छा होगा? क्या फिर फर्दर कंडेंसेशन में आप कंडेंसर में कंडेंसेशन करा पाएंगे? क्या फर्दर आप कंडेंसर में कंडेंसेशन करा पाएंगे? बोलिए, रिप्लाई करिए फास्ट। क्या फर्दर आप कंडेंसर में कंडेंसेशन करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। बहुत अच्छे, तो अब आप समझ चुके होंगे माय डियर फ्रेंड कि हम लोग टरबाइन पे एक्सपेंशन जो है वो लिमिटिंग कंडीशन है, आपके मन के हिसाब से नहीं है कि आपके टरबाइन पे कितना भी एक्सपेंशन करा लो। पहली बात, क्वालिटी खराब होगी तो ब्लेड में इरोजन आएगा, और ब्लेड का इरोजन होगा माय डियर फ्रेंड तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो ब्लेड है वो खराब हो रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, जो टरबाइन का जो सबसे कॉस्टली पार्ट होता है ना वो ब्लेड ही होता है। और मेरे दोस्त,
टरबाइन का जो ब्लेड होता है वो करोड़ों में आता है। सो डियर, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि ड्राइनेस फ्रैक्शन बहुत लो हो जाए। कहा जाता है कि मिनिमम आपके पास 85% यानी एक्स की वैल्यू कम से कम 85, 0.85 होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, बट मिनिमम कितना होना चाहिए? 0.85 होना चाहिए। यानी 0.85 से नीचे आप एक्सपेंड नहीं करा सकते, और आपके पास जो वाटर कूलिंग टावर से वाटर जो आ रहा है उससे भी आप नीचे नहीं करा सकते, अदरवाइज कंडेंसेशन में दिक्कत होगी। तो होपफुली अब आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में भी समझ में आ चुका होगा, और उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो भी क्लियर हो चुका होगा। तो माय डियर फ्रेंड, अब ये सारी बातें हो चुकी हैं, तो क्या अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्या अब हम लोग आगे बढ़े माय डियर फ्रेंड? एक बार प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, क्या सारी बातें क्लियर हैं तो अब हम लोग आगे बढ़े? एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या सारी बातें क्लियर हैं। बहुत अच्छे सुहास साहब, तो अब दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। दैट इज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ठीक है? चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, इसको समझते हैं। सपोज करते हैं अपने पास ये टीएस का प्लॉट है, अगर माय डियर फ्रेंड बॉयलर के एग्जिट पर, अगर माय डियर फ्रेंड बॉयलर के एग्जिट पर जो टर्बाइन स्टीम है वो सुपर हीटेड रीजन तक चला जाए, माय डियर फ्रेंड बॉयलर के एग्जिट पर जो स्टीम है वो सुपर हीटेड रीजन तक चला जाए, तो क्या आप देख पाएंगे? क्या आप देख पाएंगे? आपका जो डोम बनेगा वो तो ऐसे ही है, और सुपर हीटेड स्टीम तक अगर हम लोग लेकर चलें, तो ये ऐसे होगा। ये ऐसे होगा, एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड? एग्री कर रहे हैं? अगर आप सुपर हीटेड स्टीम तक लेकर चले हैं तो ये ऐसे होगा। बोलो भाई, अगर आप सुपर हीटेड स्टीम तक उसको लेकर चले तो ऐसा होगा। बोलिए फास्ट। ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दोस्तों मैं कुल मिलाकर क्या कहना चाह रहा हूं, दोस्तों कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये टी है और ये एस है, ये टेम्परेचर है और ये एंट्रोपी है, उस पे जो प्लॉट है वो ये है। माय डियर फ्रेंड, ये जो प्लॉट आपने किया था वो सिंपल रैंकाइन साइकिल का प्लॉट है। किसका प्लॉट है माय डियर फ्रेंड? सिंपल रैंकाइन साइकिल का। ये जो है वो सुपर हीटेड रैंकाइन साइकिल है, क्योंकि सुपर हीटेड रीजन में है। तो जनरली जो है माय डियर फ्रेंड, सुपर हीटेड रैंकाइन साइकिल ही हम लोग प्रिफर्ड करते हैं। जनरली सुपर हीटेड रैंकाइन साइकिल ही प्रिफर्ड किया जाता
है। अब हम लोग समझेंगे वाई सुपर हीटेड रैंकाइन साइकिल प्रिफर्ड करते हैं, बट अभी के लिए तो ये समझिए कि सुपर हीटेड रैंकाइन साइकिल ये है। क्यों सुपर हीटेड रैंकाइन साइकिल ही अच्छा होता है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। क्यों अच्छा होता है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, आज ही समझेंगे, बट अभी के लिए तो ये समझ लो आप, अभी के लिए तो ये समझ लो माय डियर फ्रेंड कि यहाँ पर सुपर हीटेड रैंकाइन साइकिल हम लोग यूज कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में भी सुपर हीटेड ही यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा है। ठीक है, अब इसी पे हम लोग को डिबेट करना है। माय डियर फ्रेंड, वन से टू आप हीटिंग कर रहे हो, आप उसको वाटर से स्टीम में ले जा रहे हैं। टू से थ्री टर्बाइन पे एक्सपेंशन, थ्री से फोर फेज चेंज कंडेंसेशन, फोर से वन आप यहाँ पे पंप से प्रेशराइज कर रहे हैं। नाउ लिसन केयरफुली, ड्यूरिंग हीट एडिशन वन टू टू, ड्यूरिंग हीट एडिशन वन टू टू टेम्परेचर चेंजेस ग्रेजुअली। टेम्परेचर जो हो रहा है माय डियर फ्रेंड वो चेंज हो रहा है। हम लोग अपनी स्टडी को आसान करने के लिए, हम लोग अपनी स्टडी को आसान करने के लिए ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग अपनी स्टडी को आसान करने के लिए ये कहना चाह रहे हैं माय डियर फ्रेंड कि जो हीट एडिशन हो रहा है, जो हीट एडिशन हो रहा है, वो हीट एडिशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। जो हीट एडिशन हो रहा है माय डियर फ्रेंड, वो हीट एडिशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। कैसे होगा माय डियर फ्रेंड? कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। लिसन केयरफुली माय डियर फ्रेंड, आई एम सेइंग दैट आप हीट एडिशन वन से टू कर रहे हैं, बट वो सेम अमाउंट ऑफ हीट एडिशन मैं करना चाहता हूं वन डैश से टू डैश। यानी माय डियर फ्रेंड, यानी माय डियर फ्रेंड, जो हीट एडिशन, मतलब हीट एडिशन ड्यूरिंग वन टू टू विल बी इक्वल टू हीट एडिशन ड्यूरिंग वन डैश से टू डैश, या ऐसे लिख लीजिए वन डैश टू टू डैश। द अमाउंट ऑफ हीट एडिशन ड्यूरिंग वन टू टू इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एडिंग ड्यूरिंग वन डैश टू टू डैश। बट ये आप क्यों कर रहे हैं? जस्ट फॉर द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्टडी थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये जो टेम्परेचर होगा उसमें थ्रू आउट जो है वैल्यू वो कॉन्स्टेंट होगी, बट इससे पहले जो आप हीट एडिशन कर रहे थे माई डियर फ्रेंड, यहाँ पे वन से टू के लिए जब आप हीट एडिशन कर रहे थे, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर कम है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, बट यहां से जब आप हीट ऐड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट क्या है? कॉन्स्टेंट है। जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट क्या है माई डियर फ्रेंड? कॉन्स्टेंट है। अब ये क्यों कर रहे हैं? जस्ट फॉर अपनी स्टडी को आसान करने के लिए, ताकि एनालिसिस अपना आसान हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। होपफुली ये बात आप समझ पा रहे होंगे, होपफुली ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि आप एनालिसिस को आसान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख रहे हैं, आप एनालिसिस को आसान करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, वैसे आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि साहब ये लिक्विड स्टेट है और ये वेपर स्टेट है, और वन डैश से इस पॉइंट तक, सपोज इसका नाम दे दीजिए ए, माय डियर फ्रेंड क्या वन डैश से ए, क्या वन डैश से ए हीट एडिशन के दौरान लिक्विड है, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है क्या? माय डियर फ्रेंड, इज इट पॉसिबल कि आप लिक्विड को हीट दो और उसका टेम्परेचर ना बढ़े? बोलो, इज इट पॉसिबल कि आप लिक्विड को हीट दो और उसका टेम्परेचर ना बढ़े? इज इट पॉसिबल और नॉट? टेल मी क्विकली, फास्ट। नॉट पॉसिबल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सुभाष साहब। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि आप लिक्विड को हीट करें, लिक्विड को हीट करें और इसका टेम्परेचर ना बढ़े, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता माय डियर फ्रेंड। तो वन डैश से ए तो हो ही नहीं सकता ये बात।
बट आप क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट फॉर की एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट करके रख सकें, ठीक है? ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका एनालिसिस करने का वजह क्या है, वो हम लोग देखेंगे। बट अभी तो यही समझते हैं कि जो हीट का एडिशन 1 से 2 के लिए हो रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एडिशन 1 डैश से 2 डैश के लिए होगा, ठीक है? और इसी टेम्परेचर को, दैट टेम्परेचर माई माई फ्रेंड इज नोन एज मीन टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर इज नोन एज वॉट? मीन टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर इज नोन एज वॉट? मीन टेम्परेचर। ओके माई डियर फ्रेंड, 1 से 2 जो हीट एड कर रहे थे उसका वैल्यू क्या था? इट वॉज H2 - H1, इट वॉज H2 - H1। एंड 1 डैश से 2 डैश जो आप हीट एड कर रहे हैं, 1 डैश से 2 डैश जो आप हीट एड कर रहे हैं, दैट इज द, आप जानते होंगे माई डियर फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, ये आप जानते होंगे कि जो हीट ट्रांसफर होता है टी एस प्लॉट पे एरिया अंडर द कर्व होता है। सो माई डियर फ्रेंड, दिस इज द हीट ट्रांसफर, यस या नो? यस या नो? दिस इज द हीट ट्रांसफर, दिस इज द हीट ट्रांसफर, यस या नो? फास्ट, यस या नो? फास्ट, बिकॉज यू नो वेरी वेल हीट ट्रांसफर इज एरिया अंडर दी कर्व, हीट ट्रांसफर इज एरिया अंडर दी कर्व, एंड दिस एरिया इज द रेक्टेंगुलर सेक्शन, एंड दिस एरिया इज वॉट? इट इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। सो वॉट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन? दिस इज द लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। सपोज दिस इज द डेल्टा एस, सपोज दिस इज द डेल्टा एस, तो लेंथ इज द टी मीन एंड डेल्टा एस। सो टी मीन डेल्टा एस इज द S2 - S1, दिस इज द S2 एंड दिस इज द S1। तो डेल्टा एस इज वॉट? एंट्रोपी एट 2 एंड एंट्रोपी एट 1। सो टी मीन बिकम्स वॉट? H2 - H1 अपॉन S2 - S1, ठीक है? एग्री हैं आप? एग्री हैं आप टी मीन से? एग्री हैं आप? ओके, वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल। तो ये टी मीन आपके पास इस तरह से आ चुका है। अभी तक तो आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया कि टी मीन का फॉर्मूला क्या है, बट अभी टी मीन का सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आया। टी मीन का सिग्निफिकेंस अभी तक नहीं समझ में आया, ठीक है? क्या टी मीन का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है? तो इसको समझते हैं माय डियर फ्रेंड, व्हाई वी आर डिस्कशिंग अबाउट द टी मीन, बिकॉज इफिशियंसी इज व्हाट? इफिशियंसी इज द 1 - Q2 / Q1, दैट इज द हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन। 1 - Q2, Q2 इज द हीट रिजेक्शन एंड दिस अमाउंट इज द Q2, दिस अमाउंट इज द Q2। बोलो साहब, यस या नो? दिस एरिया रिप्रेजेंट द Q2, यस या नो? दिस एरिया रिप्रेजेंट द Q2, यस या नो? दिस एरिया रिप्रेजेंट द Q2, यस, वेरी गुड, बिकॉज अगेन हीट ट्रांसफर इज एरिया अंडर द कर्व। एंड सपोज, एंड सपोज माई डियर फ्रेंड, सपोज माई डियर फ्रेंड, दिस इज योर मिनिमम एरिया, सॉरी मिनिमम टेम्परेचर, दिस इज योर मिनिमम टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, जिसके नीचे आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते, जिसके नीचे आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज द टेम्परेचर एट विच यू फाउंड दैट कूलिंग वॉटर कैन एबल टू कंडेंसेशन योर स्टीम, या आप बोल सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिसपे ड्राइनेस फ्रैक्शन अपने अपने स्टीम के लिए अलाउड है, बट इससे नीचे एक्सपेंशन करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो ये टी एल यानी लोअर टेम्परेचर है जिस पे आप कंडेंसेशन कर पा रहे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड, जो एरिया होगा वो क्या होगा? टी एल इंटू डेल्टा एस, टी एल इंटू डेल्टा एस, ठीक है? और यहां पे जो होगा वो क्या होगा? वो होगा
टी मीन इनटू डेल्टास, सो इफिशियंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल बिकम्स 1 माइनस TL, यानी लोअर टेम्परेचर अपॉन मीन टेम्परेचर। क्या यहां पे किसी को कॉम्प्लेक्स है? क्या यहां तक किसी को कोई कॉम्प्लेक्स है? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यस या नो फास्ट, यस या नो फास्ट, यस या नो फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। सो माय डियर फ्रेंड, यू टोल्ड दैट TL इज द टेम्परेचर विच इज फिक्स बाय द साइट सिलेक्शन और बाउंड्री कंडीशंस, यानी TL जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, इफिशियंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल विल बी डिपेंड्स ऑन द टी मीन ऑफ द हीट एडिशन, टी मीन ऑफ द हीट एडिशन। इफ टी मीन ऑफ हीट एडिशन इंक्रीजेस, देन व्हाट हैपेंड विद द इफिशियंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल? Then what happened with the efficiency of the Rankine cycle? It increases or decreases? It increases or decreases? Pranay is saying that increases. Nikhil is saying that increases. Very good. If my dear friend, T mean increases, so its value becomes minimum or decreases. If minus term decreases, then overall value increases. So if T mean increases, then you can easily say that efficiency of the Rankine cycle increases. Efficiency of the Rankine cycle increases. It means, my dear friend, efficiency of the Rankine cycle depends only on mean temperature of the heat addition. Mean temperature of the heat addition. In any condition, if you are saying that, if anybody asking about the what happened with the efficiency of the Rankine cycle, then first topic which comes in our mind is the mean temperature of the heat addition. If mean temperature increases, then you can easily say that efficiency increases. If mean temperature decreases, then you can easily say that efficiency decreases. Agree or not? Agree or not? Agree or not? Quickly, fast. Very good. So my dear friend, if कभी भी अगर हमसे पूछा जाए कि इफिशियंसी रैंकाइन साइकिल की क्या हो रही है, सबसे पहले हमें आना होगा, हमें समझना होगा कि इफिशियंसी सॉरी मीन टेम्परेचर क्या हो रहा है। अगर मीन टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी इंक्रीज होगी, अगर मीन टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी डिक्रीज होगी। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? आगे चलें, आगे चलें दोस्तों, आगे चलें। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ कम फॉर द आवर नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग ऑन रैंकाइन साइकिल। माय डियर फ्रेंड, अभी जो आप बोल रहे थे कि सुपर हीटिंग करना अपने लिए बेटर चॉइस है, बेटर ऑप्शन है, नाउ सुपर हीटिंग करना अपने लिए बेटर चॉइस है, तो अब वही हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे कैसे सुपर हीटिंग करना अपने लिए अच्छा है, कैसे सुपर हीटिंग करना अपने लिए ज्यादा बेटर है। ओके माय डियर फ्रेंड,
माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, सपोज दिस इज योर ओके ओके लिसन, दिस इज योर सिंपल रैंकाइन साइकिल। साहिल साहब, दिस इज नॉट फेयर यार कि आप क्लास के बिल्कुल आखिरी सेगमेंट पर आ रहे हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, प्लीज ट्राई टू कम अप टू दिस 6:10 PM, सही ना? उसके बाद कोशिश किया करना कि 6:10 तक आप आ जाएं, क्योंकि उसके बाद बार बार लोग आएंगे जाएंगे तो डिस्टर्बेंस होगा क्लास को। ठीक है, तो होपफुली मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और वैसे बीच में आएंगे तो आपको टॉपिक भी ज्यादा बेहतर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, खैर, माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर सिंपल रैंकाइन साइकिल, दिस इज योर सिंपल रैंकाइन साइकिल। बट इफ यू आर इंटरेस्टिंग फॉर सुपर हिटिंग रैंकाइन साइकिल, देन यू हैव टू गो लाइक दैट, देन यू हैव टू गो लाइक दैट। This is the 2 dash and this is the 3 dash. So my dear friend, 1, 2, 3, 4 is the simple Rankine cycle. But 1, 2 dash, 3 dash, and 4 is the super hitting Rankine cycle. Any problem here? Tell me. Any problem here? No. Very good. Now, my dear friend, first of all, I am interested to know what happens with the mean temperature of the heat addition. What happens with the mean temperature of the heat addition? What happens with the mean temperature of the heat addition? It increases or decreases? Pranay is saying that it increases. Increases or not? Tell me everybody. Mean temperature of heat addition increases or decreases? Mean temperature of heat addition increases or decreases? एनीबडी एल्स? केवल प्रणय साहब का कमेंट आया है। सुहास, निखिल, तेजस, बाकी लोग भी इंक्रीजेस, डेफिनेटली इंक्रीजेस। सपोज सबसे पहले जब आप सिंपल रैंकाइन साइकिल में थे तो 1 से 2 तक गए थे, 1 से 2, यानी एज्यूम कर लेते हैं आप 30 से
250 तक गए थे। अब जो है माय डियर फ्रेंड, आप 30 से 400 तक गए हो सुपर हीटिंग, तो ऑब्वियस सी बात है जो मीन टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड, इफ मीन टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ मीन टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन नो डाउट एफिशिएंसी आल्सो इंक्रीजेस। इफ मीन टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन नो डाउट एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल इंक्रीजेस। ओके, थर्ड पॉइंट, व्हाट हैपेंस विद द क्वालिटी ऑफ द स्टीम, व्हाट हैपेंस विद द क्वालिटी ऑफ द स्टीम एट द आउटलेट ऑफ द टर्बाइन, व्हाट हैपेंस विद द क्वालिटी ऑफ स्टीम एट द आउटलेट ऑफ द टर्बाइन, व्हाट हैपेंस विद द क्वालिटी ऑफ स्टीम एट द आउटलेट ऑफ द टर्बाइन, टेल मी फास्ट। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड, इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस, बिकॉज आपके पास पहले एक्स थ्री था, अब एक्स थ्री डैश है, एंड एक्स थ्री डैश इज ग्रेटर वैल्यू ऑफ एक्स थ्री, तो एक्स थ्री डैश पे जो वैल्यू है ट्राइनियस फ्रैक्शन की वो इंक्रीज हो चुकी है। बहुत अच्छे सुहास साहब, तो माय डियर फ्रेंड, अब ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो चुका है, यानी क्वालिटी इंक्रीज हो चुकी है, यानी इरोजन का चांस कम हो चुका है, यानी ब्लेड की लाइफ बढ़ चुकी है, यानी ब्लेड की लाइफ बढ़ चुकी है। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फोर्थ, दैट इज द फोर्थ। माय डियर फ्रेंड, डू यू नो एरिया अंडर द साइकिल इज द नेटवर्क आउटपुट, डू यू नो area under the cycle is the network output, do you know area under the cycle is the network output, do you know my dear friend, area under the cycle is the network output, very good, very good, very good. So my dear friend, pehle jo area tha wo ye tha, white color ki jo boundary hai, ab jo area hai, ab jo area hai my dear friend, वो ये एक्स्ट्रा है, वो ये एक्स्ट्रा है। जब माय डियर फ्रेंड ये एक्स्ट्रा एरिया है, तो वर्क आउटपुट पहले से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वर्क आउटपुट पहले से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब आप सुपर हीटिंग कर रहे हैं तो एरिया अंडर द साइकिल ज्यादा हो रहा है, तो एरिया अंडर द साइकिल ज्यादा होगा, सो यू कैन इजिली से दैट वर्क आउटपुट इंक्रीजेस, वर्क आउटपुट इंक्रीजेस बिकॉज एरिया अंडर साइकिल इंक्रीजेस, एरिया अंडर साइकिल इंक्रीजेस, एरिया अंडर साइकिल इंक्रीजेस। ओके, नाउ ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, बट लास्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड, क्या सुपर हीटिंग करने से आपको कुछ लॉस नजर आ रहा है? सब कुछ तो अच्छा अच्छा ही हो रहा है यार, सब कुछ अच्छा अच्छा ही तो हो रहा है। टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर बढ़ गया, इफिशियंसी बढ़ गया, वर्क आउटपुट बढ़ गया, क्वालिटी बढ़ गया, ब्लेड की लाइफ बढ़ गया, और क्या चाहेगा? सब कुछ जो आपको डिजायर होता है वो सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। बोलो यस या नो। आपको बेसिकली क्या डिजायर होता है? वर्क आउटपुट और इफिशियंसी। वर्क आउटपुट भी बढ़ रहा है, इफिशियंसी भी बढ़ रहा है, ब्लेड की लाइफ भी बढ़ रही है, तो सब कुछ तो अच्छा हो रहा है माय डियर फ्रेंड। यस या नो, यस या नो, फास्ट। बट लिसन केयरफुली, बट लिसन केयरफुली। सपोज करिए, सपोज करिए एक रैंकाइन साइकिल है जिसका T2 का टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक रैंकाइन साइकिल है जिसका T2 का टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी जो एनालिसिस हुआ है, ए रैंकाइन साइकिल अच्छा है या बी रैंकाइन साइकिल अच्छा है, ए रैंकाइन साइकिल अच्छा है या बी रैंकाइन साइकिल अच्छा है?
एक रैंकाइन साइकिल ए जिसका टेम्परेचर मैक्सिमम 400 है, एक बी है जिसका टेम्परेचर 1000 है। डेफिनेटली बी अच्छा है माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली बी अच्छा है। अभी यही तो एनालिसिस हो रहा था। बट माय डियर फ्रेंड एक चीज आप ऑब्जर्व करो, एक चीज आप ऑब्जर्व करो, 2 पॉइंट का टेम्परेचर हो गया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस स्टीम को पाइप के थ्रू आप लेकर जाओगे कहां पर? टरबाइन पे। फिर कहां जाएगा? टरबाइन के ब्लेड पर जाएगा, ठीक है, फिर बाहर वो निकलेगा, ठीक है। इंपल्स टरबाइन होगा तो यहाँ पे नोजल वगैरह भी लगे होगा। माय डियर फ्रेंड, ये पाइप उस 1000 को सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, दिस इज द बिग क्वेश्चन, दिस इज द बिग क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? माई डियर फ्रेंड, टेम्परेचर बढ़ाने से अच्छा हो रहा है, बट माई डियर फ्रेंड, जो आप टेम्परेचर अच्छा कर रहे हो, क्या वो कैपेबल है उसको सस्टेन करने के काबिल है? पता चला पाइप ही पिघल गया, पाइप ही मेल्ट कर गया, पता चला नोजल ब्लेड ही मेल्ट कर गए, कोई मेल्ट नहीं किए, प्लास्टिक स्टेज में भी आ गए, तब भी तो दिक्कत है। सो माई डियर फ्रेंड, एवरीथिंग इज फाइन, बट अप टू दी मेटलर्जिकल कंडीशन। एवरीथिंग इज फाइन बट अप टू दी मेटलर्जिकल कंडीशन। माई डियर फ्रेंड, आप यहां पर आइए और देखिए कि डेफिनेटली बी लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो बी अच्छा है, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली वो फिजिबल है या नहीं है, इस पे अपने को समझना है। माई डियर फ्रेंड, कहा जाता है कि ड्यू टू मेटलर्जिकल कंडीशन, ड्यू टू मेटलर्जिकल कंडीशन यानी आपका मेटेरियल उस मैक्सिमम टेम्परेचर को सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस पे आपको सोचना पड़ेगा। अगर सस्टेन कर पा रहा है देन ऑल वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहा है माय डियर फ्रेंड, तब आपको थोड़ा सा उस पे ध्यान देने की जरूरत है। सो एवरीथिंग इज फाइन बट ड्यू टू मेटलर्जिकल कंडीशन, ड्यू टू मेटलर्जिकल कंडीशन मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि T2 इज लिमिटेड। और कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, T2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है या T मैक्स जो है वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 650 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी अपने पास जो अवेलेबल है मटेरियल वो 650 से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। होपफुली ये बातें समझ में आ गई होंगी, होपफुली ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ठीक है। चले आगे। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग, देख लिया आपने। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर। माय डियर फ्रेंड, मैं 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं, 30 सेकंड में अभी फिर से हम लोग मिलते हैं और इस टॉपिक पे बात करते हैं। होल्ड फॉर 30 सेकंड।
ओके माय डियर फ्रेंड, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर। बॉयलर प्रेशर के इफेक्ट को हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर बॉयलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। माय डियर फ्रेंड, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीमेंट वाला काम, प्रेशर इंक्रीमेंट वाला काम कौन से प्रोसेस में हो रहा है? प्रेशर इंक्रीमेंट वाला काम कौन से प्रोसेस में हो रहा है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, 1 से 2। प्रणय इज सेइंग 1 से 2। बाकी लोग भी बताइए। प्रणय आर यू श्योर? प्रणय साहब आर यू श्योर? निखिल इज सेइंग 2 to 3। अरे यार, 1 से 2 तो बॉयलर है ना, वहां तो हीट ऐड हो रहा है ना, 1 से 2 तो हीट ऐड कर रहे हैं, वाटर को स्टीम में ले जा रहे हैं, 2 से 3 एक्सपेंशन हो रहा है टरबाइन में, 3 से 4 कंडेंसेशन हो रहा है, और 4 से 1 पंप लगा हुआ है। पंप ही तो प्रेशराइज कर रहा है यार, भाई मेरे पंप ही तो प्रेशराइज कर रहा है। 1 से 2 तो आप बॉयलर में हीटअप कर रहे हैं, फेज चेंज करवा रहे हैं, 2 से 3 टरबाइन पे एक्सपेंशन हो रहा है, 3 से 4 कंडेंसेशन हो रहा है, 4 से 1, 4 से 1 माय डियर फ्रेंड, 4 से 1 माय डियर फ्रेंड, आप प्रेशर राइज कर रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है दोस्त? प्रणय, निखिल, सुहास, तेजस, बोलिए। चलिए बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, लेट अस अज्यूम दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, जो कि 650 आपने कहा है, ठीक है ना। चलो सपोज आपके पास एक साइकिल है जो ऐसे चल रहा है, सपोज आपके पास एक साइकिल है जो कि ऐसे चल रहा है, ठीक है, और वन टू थ्री फोर। माय डियर फ्रेंड, अब आपको एक ऐसी साइकिल यूज करनी है जिसका प्रेशर पहले से ज्यादा है, क्योंकि आपने क्या कहा, हम लोग बॉयलर प्रेशर को पहले से ज्यादा करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज होगा ये कहां पे होगा? 4 to 1 होगा। कहां पे होगा माय डियर फ्रेंड? 4 to 1। तो अब जो प्रेशर इंक्रीज होगा वो 1 से नहीं 1 डैश तक चला जाएगा। अब जो प्रेशर इंक्रीज होगा वो 1 नहीं 1 डैश होगा, और अगर 1 डैश होगा तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता क्योंकि ये टी मैक्स है, और अब ऐसे आएगा।
अब ऐसे आएगा, फिर ऐसे। सो माय डियर फ्रेंड, टू डैश, थ्री डैश और ये फोर। तो जो अब नई वाली साइकिल है, पहले साइकिल थी 1 2 3 4, अब जो नई वाली साइकिल है 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4। यस या नो? यस या नो फास्ट, यस या नो फास्ट। वेरी गुड। नाउ माय डियर फ्रेंड, नाउ माय डियर फ्रेंड, थिंक अबाउट व्हाट हैपेंस विद द मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन। थिंक अबाउट व्हाट हैपेंस विद द मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन। इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस फास्ट? इंक्रीजेस। प्रणय इज सेइंग दैट इंक्रीजेस। एनीथिंग एल्स? सुहास, तेजस, निखिल, माय डियर फ्रेंड, थिंक अबाउट, थिंक, ओके, थिंक माय डियर फ्रेंड कि सपोज T1 पहले था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसको आप ले गए 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कहाँ ले गए? 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। पहले आप 30 थे, फिर 500 तक ले गए आप। बट ये पहली वाली साइकिल थी। तो सपोज यहां पे जो टेम्परेचर का मीन टेम्परेचर आया, सपोज ये आ गया 280। अब जो है, अब आप 1 डैश पे आ रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ 1 डैश इज ग्रेटर देन 1। द वैल्यू ऑफ 1 डैश इज ग्रेटर देन 1, यानी माय डियर फ्रेंड, अब जो आप चलेंगे वो 30 नहीं, वो समथिंग 52 500 चल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली 30 to 500 का मीन टेम्परेचर अगर 280 है, तो डेफिनेटली 50 to 500 का टेम्परेचर ग्रेटर देन 280 होगा। ग्रेटर देन 280 होगा। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, यू आर सेइंग दैट मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन इंक्रीजेस। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, यू आर सेइंग दैट मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीजेस। इफ मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीजेस, then what is going on? What is going on? Efficiency of the cycle is increases. Efficiency of the cycle is increases. इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप रीहीट, सॉरी, बॉयलर का टेम्परेचर, बॉयलर का प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हैं, बॉइलिंग प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हैं, या आप बोलना चाहते हैं मैक्सिमम प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं, तो अगेन आपके पास मीन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और मीन टेम्परेचर बढ़ जाएगा यानी डियर इफिशियंसी बढ़ जाएगा। यस या नो? अगर मीन टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इफिशियंसी भी इंक्रीज हो जाएगा। यस या नो फास्ट? यस या नो फास्ट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर फ्रेंड। बट यहां पे सोचने वाली बात यह है कि क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जा रही है, क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जा रही है, यानी एक्स थ्री की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है एक्स थ्री डैश से, यानी जो क्वालिटी है माय डियर फ्रेंड वो डिक्रीज हो जा रही है। और अगर क्वालिटी डिक्रीज हो रही है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। अगर क्वालिटी डिक्रीज हो रही है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, यानी आपके ब्लेड की लाइफ खराब हो रही है। यानी आप कह सकते हैं दोस्त, यानी आप कह सकते हैं दोस्त कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद आप टेम्परेचर भी नहीं इंक्रीज कर सकते, और एक मैक्सिमम प्रेशर के बाद आप प्रेशर भी इंक्रीज नहीं कर सकते। यस या नो? यस या नो? यस या नो फास्ट? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माय डियर। बट अगर कभी पूछा जाए कि साहब
बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज करने से इफिशियंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इफिशियंसी जो होगी माय डियर फ्रेंड इंक्रीज करेगी, इफिशियंसी जो होगी माय डियर फ्रेंड इंक्रीज करेगी। ठीक है, एग्री हैं आप? एग्री हैं आप? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम लोग एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको जूम कर पा रहा हूँ जहां तक पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये तो मैं ऐसे ही समझा रहा था, बट आप इसका भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे सुपर हिटिंग होगा ना? ओके, तो होपफुली माय फ्रेंड्स, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सारी चीजें हो चुकी हैं, एनी प्रॉब्लम? सारी चीजें हो चुकी हैं, इज एवरीथिंग ओके? ओके, थैंक यू सुहास साहब। चलिए दोस्तों आज इतना ही करते हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक जो बाकी है वो कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग माय डियर फ्रेंड, फिर उसके बाद हम लोग माय डियर फ्रेंड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। सेवन 7724913738। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को कोई कॉम्प्लेक्स है तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रेशर ऑफ टरबाइन इंक्रीजेस, दैट इज डस इट प्रोड्यूस मॉइस्चर? जी हाँ, टरबाइन के आउटलेट पे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, तो टरबाइन के आउटलेट पे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा तो उससे इरोजन का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली प्रणय साहब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। प्रणय साहब ओके, वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों कल हम लोग मिलते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।